दोस्तों, आप सभी को डॉक्टर एन के शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। द अवेकनिंग कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके सामने ह्यूमन यानी कि आदमी की जो परामानसिक अद्भुत क्षमताएं हैं, हम उसके बारे में आपको हमारे अलग अलग वीडियो में उसका परिचय देते रहते हैं। तो ऐसी ही श्रृंखला में आज हम आपको एक इतनी अद्भुत मानवीय क्षमता के बारे में बताने जा रहे हैं कि जिसकी आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये प्रयोगों से हम लोग सिद्ध कर चुके हैं कि ये मानवीय क्षमता हर आदमी के भीतर है, और इसका नाम है क्वांटम स्पीड रीडिंग। क्वांटम स्पीड रीडिंग का मतलब है कि कोई भी किताब को आपको सिर्फ फ्लिपिंग करके उसको आप पढ़ सकते हैं बड़े आराम से। है ना हैरानी की बात, क्या ये सचमुच ऐसा हो सकता है? हाँ दोस्तों, हम लोगों ने बहुत प्रयोग किए हैं इसके ऊपर, और मैंने ही प्रयोग किए ऐसा भी नहीं है। जापान में, रशिया में और भी कई मास्टर शायद विश्व में इसके ऊपर प्रयोग कर रहे होंगे, लेकिन हमारे जो प्रयोग हमने किए, हम आज उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो कोई भी किताब को जब हम फ्लिपिंग करते हैं तो, और बड़ी स्पीड से फ्लिपिंग करना पड़ता है, तो उस किताब के अंदर जो कंटेंट है, जो उसका विषय है, वो वाइब्रेशन के रूप में, तरंगों के रूप में वो उसमें से उभर कर बाहर निकलता है, और आपको अपने आप आपके मन में उसकी एक पूरी एसेंस, सार या कहानी आपके दिमाग में बनने लगती है। इसमें आपको दिमाग पे जोर नहीं डालना पड़ता कि क्या आ रहा है, बस आपको चुप हो जाना पड़ता है, और आपके अपने दिमाग में जो इसके वाइब्रेशंस आपको फील हो रहे हैं उसको अनुभव करना होता है। तो क्वांटम स्पीड रीडिंग के अंदर बच्चे जो हैं किताब को पढ़ते नहीं हैं, फ्लिपिंग करते ही उसके सारे कंटेंट, उसका सारा सार उनके दिमाग में एक कहानी के रूप में आकर स्थापित हो जाता है। और फिर जब आप उनसे पूछेंगे तो वो उस किताब का पूरा जो सार गर्भ है वो आपके सामने लाके रख देंगे। ये रहस्य नहीं है, आज तक ऐसा कभी इसके बारे में कोई खोज नहीं हुई, कभी जाना नहीं गया। तो 1997 से जापान के कई मास्टर्स इसके ऊपर काम कर चुके हैं, इसका प्रयोग कर चुके हैं। अभी हाल ही में हम लोग कुछ 7-8 साल पहले हम लोग भी जापान गए, और जापान में जो इसके विशेषज्ञ हैं उन लोगों के साथ में हमने भी इस विषय को जानने की कोशिश की, और भारत में फिर हम इस विद्या को लेकर आकर हमारे बच्चों पे भी हमने प्रयोग करना शुरू किया। और ये जब प्रयोग हमने किया तो उसमें सचमुच हमने काफ़ी सफलतापूर्वक हमने उसके इस अनुभव को हम लोग कर पाए, और क्वांटम स्पीड रीडिंग जो है ये कई विश्व के प्रख्यात लोग जो हैं उपयोग करते रहे हैं। जैसे आप विवेकानंद के बारे में जानते हैं, विवेकानंद के बारे में जनरली ये कहावत है कि वो लाइब्रेरी से कई किताबें लेकर आते थे और रात को अपने पास में रखते थे, और सुबह वो वापस लौटा देते थे, और उनको उस विषय के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती थी। एक कहानी तो बड़ी प्रसिद्ध है उनके बारे में, वो किसी एक जर्मन व्यक्ति के पास गए और उनके पास उन्होंने एक बहुत बड़ी किताब देखी, जिस किताब को पढ़ने में शायद एक साल लग जाए, मतलब इतनी मोटी किताब थी। तो विवेकानंद ने उसको कहा कि क्या मैं ये किताब आपकी एक दिन के लिए मैं लेके जा सकता हूँ? तो वो प्रोफेसर जो था वो हंस पड़ा, उसने कहा मैं सालों से इस किताब को अभी तक समाप्त नहीं कर पाया, और आप कहते हैं कि एक दिन में ले जाकर आप इस किताब को पूरा पढ़ लेंगे। उसने कहा आप मुझे दीजिए तो सही।
तो वो सोचा कि ये कुछ ज़्यादा ही विवेकानंद जो है अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस या अपने ईगो में है, मतलब ऐसा कभी हो सकता है कि कोई आदमी एक कुछ क्षणों में किताब को पढ़ ले। तो विवेकानंद ने क्या किया, उसके सामने ही उस किताब के दोनों तरफ अपना हाथ रखा, आंखें बंद की और कुछ देर ध्यान में बैठ गए। और ध्यान में बैठने के बाद उन्होंने कहा, हो गया मेरा काम, मैंने इस किताब को पढ़ लिया। तो वो प्रोफेसर ने समझा ये आदमी कोई ज़्यादा ही मूर्ख है, और मतलब ये हाँ यहाँ हमें मूर्ख बना रहा है। तो विवेकानंद को उसने कहा, चलिए अगर आपने इसको पढ़ लिया तो बताइए कि इसका सार गर्भ क्या है, और ये इतना कठिन सब्जेक्ट है कि जिसको मैं प्रोफेसर होते हुए भी समझ नहीं पा रहा हूँ, और आप कैसे समझ गए। तो उसने विवेकानंद ने कहा कि आप मुझे प्रश्न कीजिए, मैं आपका उसको जवाब दूंगा। तो विवेकानंद ने जब ऐसे कहा तो प्रोफेसर भी बड़ा हैरान हो गया। उन्होंने कहा, एक काम कीजिए, 68 नंबर का पेज खोलिए और मुझे बताइए कि उस 68 पेज नंबर में क्या है लिखा हुआ। विवेकानंद ने किताब नहीं खोली और उस 68 पेज में जो लिखा हुआ था, जो उसका सार गर्भ था, वो उन्होंने बयान कर दिया। जर्मन प्रोफेसर बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, यही क्षमता रजनीश ओशो, जो कि विश्व के बहुत सुप्रसिद्ध गुरु है, उनके अंदर भी एक क्षमता थी। ऐसा सुनने में आता है कि करीब करीब उन्होंने अपने जीवन में 1.5 लाख से ज़्यादा किताबों को उन्होंने पढ़ा, और उनको भी ऑलमोस्ट किसी भी किताब के बारे में जब उनसे पूछा जाता तो वो नाम सहित और उसके ईयर सहित और उस सब्जेक्ट की गहराई का जो सार है उसके समेत वो उस विषय के बारे में वो चर्चा कर लेते थे। और मेरे ख्याल से ओशो के अंदर जो गहराई थी उनके बातों में, जितना ज्ञान था, मुझे नहीं लगता कि आज के किसी संत महात्मा में इतना ज्ञान रहा हो। तो ये ज्ञान उन्होंने कैसे प्राप्त किया? ये प्राप्त किया उन्होंने क्वांटम स्पीड रीडिंग से। तो क्वांटम स्पीड रीडिंग अभी तो बच्चे के ऊपर ही हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे ही इसको बहुत जल्दी पकड़ पाते हैं, क्योंकि उनकी सेंसेस अभी ज़्यादा विकृत नहीं हुई। इसलिए हर बच्चे इस काम को कर सकते हैं, हर बच्चा इसको सीख सकता है, और हर बच्चे को ट्रेन किया जा सकता है। और ये बच्चा जो है ऐसे हज़ारों किताबों को पढ़ने की क्षमता प्राप्त कर सकता है। लेकिन बड़े लोगों की प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं तो हमारी जो साइकिक सेंसेस हैं वो धीरे धीरे हमारे तर्कशील माइंड के ज़्यादा शक्तिशाली होने के कारण हमारी जो सूक्ष्म संवेदनाएँ हैं वो थोड़ा धीमी पड़ जाती है, क्योंकि हम उसका उपयोग नहीं करते। तो उपयोग नहीं करने के कारण वो धीरे धीरे वहीं हमारे अंदर निष्क्रिय पड़ी रहती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े एडल्ट लोग इस काम को नहीं कर सकते, कर सकते हैं, पर उसके लिए बड़े लोगों को, जो एडल्ट है, उनको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, थोड़ी साधना करनी पड़ेगी। और अगर आप नियमित साधना करें तो आप भी उस वाइब्रेशन को अपने थर्ड आई में आप उसको महसूस कर सकते हैं, और आप भी क्वांटम स्पीड रीडिंग का लाभ उठा सकते हैं। और ये कहा जाता है कि 10,000 किताबें आप एक साल में पढ़ सकते हैं, इतनी क्षमता आपके अंदर आ जाती है। तो बड़े लोग भी इस क्षमता को, थोड़ी सी साधना करके इस क्षमता को सक्रिय कर सकते हैं, और वो भी ऐसे हज़ारों किताबों को चंद दिनों में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे बच्चे किस तरह से ये काम कर पा रहे हैं, ऐसा ही एक प्रयोग हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आप इस प्रयोग को देखिए और इसका आनंद लीजिए। ये किताब किसके बारे में? हाँ, गॉड गॉड के बारे में। तो
गॉड के बारे में तुझे अंदर क्या उसकी कहानी महसूस हुई तुझे कि वो गॉड के बारे में आदमी क्या कहना चाहता है? कहानी क्या दिमाग में आ रही है तुम्हें? कि कोई लड़का है वो गॉड से प्रेयर करता है। हाँ। और अच्छा, वो आज दिमाग में है। चलो ठीक है, ओके। ऐसी कोई चीजें बता रखी हैं जो मैं डॉक्टर वो जो उन मेडिसिन के बारे में नहीं जानता। हाँ। और जिससे हम लोग को घाटा हो सकता है। अच्छा अच्छा, तो मेडिसिन के बारे में है और उसके नुकसान के बारे में। ये सर कि जो डॉक्टर को नहीं मालूम। हाँ। जो उस मेडिसिन के बारे में। हाँ हाँ। उससे हमें क्या घाटा हो सकता है? अच्छा, उसके बारे में जानकारी है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर चाणक्य की कहानी बताई हुई है। इसके अंदर कई श्लोक भी दे रखे हैं। अच्छा, श्लोक दे रखे हैं। हाँ हाँ। एक लेडी है, उसके बच्चे दो मर गए, उसने पिक्चर भी दी हुई है। हाँ। और वो उनके दो बच्चे बताते हैं इसमें कि अलग अलग स्टोरीज बताते हैं कि उसके लॉस बताते हैं कि अगर हमें ये करेंगे तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा इसके। अच्छा, इसमें इस बुक में। अच्छा, इस और, बुक में। हाँ। ऐसी स्टोरीज बताई है जिसमें ऐसा उनके साथ होता है ऐसे जैसे नर्क वर्क वगैरह। हाँ। और हम कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं उनके साथ, ये है। अच्छा अच्छा, तो आत्मा के साथ कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं? और उनको और, हाँ, राइटिंग उनकी। और उनकी वो राइटिंग करती हैं वो। हाँ, और हमारी एक हमेशा वो हमारे एक सोल देख रही होती है। वेरी गुड, वंडरफुल बेटा, बहुत अच्छा, बहुत वंडरफुल, बहुत। तुझे अभी तक कुछ नजर आया बेटा? डाल दिया। और ये शायद पास्ट लाइफ या डेथ के बारे में बता दिया है। अच्छा, पास्ट लाइफ और डेथ के बारे में बताती है। अच्छा, इस किताब में दे रखा है कि जैसे कुछ कुछ चीजें होती है जो हम जी के पता नहीं कर पाते, पर इसमें शायद दे रखा है ये सब। अच्छा अच्छा, कि मतलब मरने के बाद जो पता चलता। हाँ। है उसके बारे में वो लिखा हुआ है, कुछ सीक्रेट्स हैं इसमें। अच्छा, कुछ सीक्रेट्स हैं सारे जो। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि हमारे बच्चे कितना अद्भुत काम कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें एक और मज़ेदार बात यह है कि लैंग्वेज कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किताब जापनीज में है कि जर्मनी में है कि इंग्लिश में है कि कन्नड़ में है कि मलयाली में, कोई भी भाषा को आप जब फ्लिपिंग करते हैं तो मज़ेदार बात यह है कि उसके वाइब्रेशन उभर के हमारे मन में जाते हैं और हमारा मन अपने आप उसको डिकोड करके एक पूरी कहानी हमारे अंदर सेट कर देता है। जरा सोचिए कितनी अद्भुत क्षमता है हमारे मन की। मुझे भी कभी पता नहीं था कि सचमुच ऐसा होता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली मैंने अपने बच्चों को करवाया और जापान के बच्चों को करते हुए मैंने देखा तो वाकई में मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि किस तरह से बच्चे इन सब विद्याओं का उपयोग कर पा रहे हैं। और ये सारी विद्याओं को जापान में टीवी में भी कई बार जो है प्रयोग दिखाया जा चुका है। तो ये सारे कार्यक्रम हमारे यहाँ पे नियमित चलते रहते हैं और हमारे यहाँ पे इन विद्याओं को सिखाया भी जाता है। तो अगर आपके बच्चों को भी इस प्रकार की विद्याओं से आप पारंगत करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा जो यहाँ पर नाम और पता दिया जा रहा है, जो फ़ोन नंबर है, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगा कि ये हमारा द अवेकनिंग कार्यक्रम जो आपकी अपनी ही क्षमताओं से आपका परिचय करवाता है, अगर आपको अच्छा लगता है तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं, लाइक करें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी और ऐसे अद्भुत विषय के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो दोस्तों, हम तो मिस्टिक साइंसेस के सागर में हम तो गोते लगा रहे हैं, आपको उसमें से अच्छे अच्छे हीरे मोती निकाल निकाल कर हम आपके सामने लेकर आएंगे और आप भी उसको देखकर बहुत आनंदित हो जाएंगे। तो मैं फिर आपसे मुलाकात करूंगा। मैं बहुत शुभकामना देते हुए आप सबके जीवन के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।